मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ रहा आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है? ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक में जो मुद्दे बिंदु तय हुए थे उनका अनुमोदन था कि कितना किन बिंदुओं पर कितना इम्प्लीमेंट हुआ, और दूसरा आगे का रोड मैप कैसा हो, क्योंकि कल हमारी जो प्रदेश की नई कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस कमेटी की, उन्हें हम क्या दिशा निर्देश दें, उनकी कार्य पद्धति क्या हो, कैसे हम बूथ लेवल तक पहुँचे, पंचायत कमेटी का गठन, शहरों में वार्ड कमेटी का गठन, और जो वाइस प्रेसिडेंट बने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उनको संभाग मुख्यालय सौंपा जाएगा, जो जनरल सेक्रेटरी बने उनको जिला का प्रभार दिया जाएगा, तो उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए जाए वो बिंदु तय किए। सर, इसके अलावा हम भी हमने देखा कि जब विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक चल रही थी तब जीतू पटवारी जी की आंखों से आंसू झलक गए, भावुक हो गए, क्या वजह थी, आखिर ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी जिस तरह से? जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के बाद 1 बजे से हमारी विशेष आमंत्रित और स्थायी आमंत्रित सदस्यों की जो पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए थे उनकी बैठक हुई, और ये सारी वरिष्ठ लीडरशिप है मध्य प्रदेश की इस कमेटी में, और जीतू पटवारी से कई साल उम्र में सारे लोग बड़े हैं। जीतू पटवारी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि मैं किन विषम परिस्थितियों में अध्यक्ष का कार्यभार मुझे दिया गया, लोकसभा के चुनाव सर पे थे और हमें उस समय करारी हार मिली, आगे हमें विधानसभा का चुनाव भी फेस करना है, लोकसभा चुनाव भी फेस करना है और स्थानीय चुनाव भी फेस करना है। तो सर, ये भी माना जा रहा है कि इस बैठक में जो है कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी हो या अरुण यादव जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, गोविंद सिंह जी हो, मीनाक्षी नटराजन जी हो, शोभा ओझा जी हो, जैसे वरिष्ठ नेता जो है इस बैठक से दूरी बनाए हुए थे, तो जीतू पटवारी जी को लग रहा है कि कहीं वो अकेले पड़ रहे हैं, इस वजह से उनकी आंखों से आंसू झलक रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के तो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, मीनाक्षी भी बाहर हैं और बाकी लोगों के जो कार्यक्रम थे उसमें गए। जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, दमदार लीडर है, छोटी मोटी बातों से उसे फर्क नहीं पड़ता। बात यह थी कि पूरे प्रदेश की वरिष्ठ लीडर से सामने बैठी हो तो उससे जब अपने उद्गार निकलते हैं भावनात्मक रूप से, तो जब वो शब्द निकलते हैं तो आदमी ये समझ लीजिए कि वो एक छोटा साथी है, बाकी बड़े लोग बैठे थे तो उनके सामने बात करने में कि आपका वरद हस्त मेरे सर पे रहना चाहिए, आगे हमें इतने चुनाव फेस करना है, तो शब्द कहते हुए भावुक हो गए तो और कोई बात नहीं। बाकी सब ठीक है सर, जो और नेता नहीं आ पाए तो कोई नाराजगी तो नहीं ऐसे पार्टी में, क्योंकि जो अगर देखें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में आधे से ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे सर? नहीं, आधे से ज़्यादा क्या, मीनाक्षी जी नहीं आई, दिग्विजय सिंह जी नहीं आए, सर क्या इन सबकी ड्यूटी अलग अलग राज्यों में लगी थी चुनाव, अभी तो ये सारे लोग वहाँ काउंटिंग होना है, ये सब वहाँ बैठ के अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो ये सज्जन वर्मा है जिनका कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से बड़े नेताओं के सामने बैठक चल रही थी तो उन्होंने उनका साथ मांगा है, इस वजह से वो थोड़े से भावुक हो गए थे, और जब बैठक में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।